देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ था जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट 2 थीटा इक्वल टू 1। देखिए सीकेंट 2 थीटा को लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जो tan में खुलता है? एक तो फॉर्मूला हमारे पास में कॉस 2 थीटा का जो tan के अंदर खुलता है दैट इज 1 अपॉन बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, जिसको ऊपर लिख रहा हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक चलेगा। ये मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर फॉर्मूला पुट करा और इसी नीचे थी तो उल्टा हो गया इसलिए ऊपर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एक अजम्पशन ले लेता हूँ, लेट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी, थोड़ा इजी हो जाएगा, टी प्लस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इक्वल टू 1। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी। ठीक है, अब ये 1 और 1 कैंसिल, सारे टर्म्स को इस साइड ले आता हूँ तो टी स्क्वायर ठीक है प्लस 2t यहाँ तक माइनस 3t इज इक्वल्स टू 0। तब कॉमन निकाल सकता हूँ मैं t, t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3। अब बेसिकली t था क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3। तो देखिए यहाँ से तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई। ये आ गया एक सोल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई, डायरेक्ट आ गया तो एकदम ईजी वाला। अब देखिए इधर से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, जब अगर मैं इसको रूट ले लूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3, ये चीज़ यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, और फिर ये रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस पाए बाय 3। तो यह हमारे पास में दो सोल्यूशन हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस पाए बाय 3 एंड थीटा इक्वल टू एन पाए। तो आंसर हो जाएगा जो मैंने नीचे यहाँ पे मैंशन किया, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो एक ये रहा और एक ये रहा।